मोदी सरकार ने SC ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज। तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं NDA के साथ, आप भी जय जय करके हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो NDA में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो। चाहे कोई BJP के साथ यादव चला जा रहा हो, उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आपके बेईमान बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली है? बिल्ली को रखवाली, जब वोट आएगा तो हम हिंदू है, हिंदू नाम का वोट। जितना मुद्दा यहाँ पे लिखा हुआ है, मुद्दे पे नहीं जाऊंगा मैं, उसके पीछे दर्जन हाउ टू अचीव इट, कैसे अचीव करेंगे और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए बात करूंगा, क्योंकि सबका जड़ एक ही है, एक ही जगह है, मामला फंसा हुआ है। तो जितने सारे मुद्दे यहाँ गिनाए गए उसमें से ज्यादातर मुद्दे अचीव आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये एक्सप्लेन। दूसरा, बगैर नेताओं पर, बगैर पार्टी पर, बगैर सरकार पर हल्ला बोले जो है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सारे प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है, इसलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को पैदा करना। चलिए एक सवाल और पूछता हूं, सभागार में जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग प्रोफेशनल हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग ठेकेदार हैं, कितने लोग CA हैं, कितने लोग पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, इसमें जरा हाथ उठा। अच्छा, 100 करोड़ का है कोई? 100 करोड़ का? 100 करोड़ का नहीं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ठेकेदार बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना, ईमानदारी से। बिल्डर बनाना चाहते हैं कितने लोग? देख लीजिए, उचार लो। सबको सरकारी नौकरी करवाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, IAS बनाना है, SHO इंस्पेक्टर बनाना है। समाज में जो कह रहा हूं ये आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए समाज की तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन उसकी जरूरत है। कितने पर लोगों के बच्चे MBA पढ़ रहे हैं और CA की तैयारी कर रहे हैं? IIM है कहीं? देखिए 85% में एक हाथ था। समस्या की बीमारी का इलाज करिए, इलाज जब हो जाएगा तो आप रास्ते भी आपको दिखेंगे। दूसरी बात, नेताओं पर हल्ला बोल मतलब अपने नेताओं पर भी हल्ला बोल। मेरा भाई अगर, और मेरा रिश्तेदार, मेरे पिताजी तो नहीं है लेकिन वो भी अगर होते और ऐसे पार्टी के साथ रहते जो हमारा विरोधी है, तो मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाता, उनको हरवाता। जी ये बात। तो तीसरी बात, ये एक शब्द हमने सुना जब चाय पीने जा रहे थे, पता नहीं किसने कहा, दलित शब्द का प्रयोग न करें। मैं बहुत सविनय बात कहना चाहता हूं कि मैं वैसे किसी भी मंच पर जाना नहीं चाहता जिसके टर्मिनोलॉजी, जिसके आइडियाज, जिसके विचार, जिसकी संस्कृति RSS और BJP से मेल खा। मैं किसी मंच पर नहीं जाना चाहता, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, खेल समझिए। चलिए शुक्रिया बाबा राम, जो कम से कम ये दावा तक ठोक दिए कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूं। तो दावा ही करना है तो फर्स्ट क्लास वाला करो, क्या सेकंड क्लास में पढ़े हुए हो? यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, ये सब RSS का टर्मोलॉजी, सब क्षत्रिय बना रहे। दलित शब्द से RSS को परेशानी है, इसलिए उसको बैन करना चाहता है। दलित शब्द पावर पंच है, दलित साहित्य डेवलप हुआ उससे परेशानी है। इसमें पंच है, यूनिफिकेशन है, जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये मूवमेंट चला था अमेरिका में, ब्लैक ने कहा ब्लैक खराब है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। उसी तरह से दलित शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी RSS को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूं,
जिन जिनको इस बात समझना है समझ ले, जिनको नहीं समझना है आप बहुसंख्यक बोलो। अब तो बाबा साहब तो दलितों के लिए कहते थे हम माइनॉरिटी में, और दलित राजनीति उसके बाद चला गया बहुजन में, अब बहुजन के बाद चला गया मूल निवासी। पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी से सब जो है ना पीएचडी करके आया, मेरे समझ में नहीं आया। फोकस्ड एजेंडा नहीं होता है, खाल मेल हो जाता। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि दलित सबसे परेशानी आरएसएस को है, यह बात खुद नहीं। चलिए अब आता हूं कि आरएसएस बीजेपी हर समय एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई काम करो, ट्रायल करो, फिर वापस हो, ट्रायल करो वापस ले। उदाहरण देना, कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से लेके एससी एसटी एक्ट तमाम पे फैसले आए। तो जब 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी एक्ट पर जब बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हुई, तो तुरंत बैकफुट पे आ गया, तुरंत अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ। जब किसानों का आंदोलन हुआ, लगा कि पीछे नहीं हटेगा, तो तुरंत अध्यादेश आ गया, फिर प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ कर लिया। जब रोस्टर का आंदोलन था तो उस समय भी जब देखा कि लोग सड़क पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे थे आप लोग, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं, 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो जब देखा कि सड़क पर उतर गए, दलित बैकवर्ड से वोट नहीं देगा, तो तुरंत फिर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करता है ट्रायल एंड एरर में, और उसमें से ज्यादातर वक्त हम और हमारे नेता ट्रैप में आ जाते हैं। अब कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और अभी जो है, अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी में टी रिजर्वेशन का बिना किसी आंकड़े के 10% जमाव कोटा दे दिया। आप उसके खिलाफ सड़क पर नहीं उतरे, आप लोगों को मतलब नहीं है। उसके खिलाफ नेता भी नहीं बोले, हमारे नेता भी दोनों हाथ ऐसे पसारे स्वागत कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा, हम लोग नहीं कर रहे। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हल्ला करता है कि नहीं करता है तो लागू कर देंगे। हल्ला हुआ सोशल मीडिया पर हुआ, तब जाके रात में नोटिफिकेशन आया। मेरे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं दावा के साथ कह रहा हूं मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा यहां, मेरे बायोडाटा को उठा लो, मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। खुली चुनौती है। आज उदित राजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर में और मेरा ही रेफरेंस दिया कि जो आपने 11 किताबें पब्लिश कर चुका है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं, मैं ही एलिजिबल था, एक एस सी एस टी ओबीसी सब मिला के, अब मुझे 5 साल से रोका, एक भी प्रोफेसर नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है कितने प्रोफेसर बने नहीं बने, लेकिन यूजीसी की जनऊ लीला, इसको जनऊ लीला में करता, क्योंकि आरएसएस का फिलोसफी है मनुस्मृति लागू करो और सबको अपने अपने काम में ओरिजिनल काम में भेजो। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है, जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है। ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, आप भी खुश थे आप, ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू है, तो हिंदू है तो फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ का अधिकार के, भजो राम जाओ कांवड़ लेके, राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है हिंदू राष्ट्र से, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता को तो मैं अभी धुलाई करूंगा, अभी नेताओं को एससी एसटी ओबीसी नेताओं, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे नेता, लेकिन सवाल आपसे भी करूंगा। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसके प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा, वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है?
चाहे ऋतु सिंह है, चाहे लक्ष्मण है, व्यक्तिगत लड़ाई है, आपके लिए आवाज उठाई जा रही है और उसको पनिश किया जा रहा है और आप उसी मुर्गे की तरह देख रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा, दाना चुग रहे हैं, खड़े नहीं होते, खड़ा नहीं। संविधान के हिसाब से सड़क जाम कीजिए, आंदोलन करिए। जो समाज आंदोलन नहीं करता है तो मोदी जी आप भागवत साहब प्लेट में नहीं लेके आएंगे, लो जी बिरयानी खा लो खाओ। तो ये सवाल ये उठाना पड़ेगा। एक दो पॉइंट और कहता हूं मैं, तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, समझ गए? आप ही लोग ला रहे हिंदू राष्ट्र जिसकी डंडे से पिटाई आगे की होगी। अच्छा पीटो, गुलाम रहो, अच्छा आप ही एक कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इतना बड़ा दलित आंदोलन, मैं तो अभी था आदिलाबाद में, तेलंगाना में, मैंने कहा कि आज अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या, अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या, इतने अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, पहले चुप्पी मारे हो कि साहब टीए बना दीजिए, साहब आपको पार्लियामेंट में दलित ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं कर रहा, दलित और ट्राइबल को ही ले रहा हूं निशाने बोलता है, कोई सवाल उठते हैं? वो टीए में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में फाइव स्टार होटल देखता है, लैम मेरिडियन वो देख के चमकता है, अरे स्वर्ग में आएगा, क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग, आप ही लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा, सीधा सा बीजेपी आरएसएस में, जीतनगा मांझी आरएसएस बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान आरएसएस बीजेपी के साथ है, और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कंफ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। चार पार्टी खड़े कर दो, 100-200-500 वोट तुम लोग काट दो, बाकी इंडिया वाला हार जाएगा, हम जीते हैं। तो ये समाज के अंदर भी परेशानी। एक और एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी एक बाबा है, बेचारा आंख तो नहीं है लेकिन दिमाग और जबान बहुत पटर पटर चलता है, आज भी बिहार में इनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भसता वो तो अच्छी बात है, राम को भसता नहीं तो अच्छी बात। बाबा साहब ने बैठ कर दिया ने कहा भी, लेकिन क्या वो एक किसी जाति को कह रहा था? बाबा जाति को कह रहा नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा हुआ है, बहुसंख्यक कैसी हो जाएगा, फेविकॉल है, SC ST OBC माइनॉरिटी लाओ चिपका दो चिपक जाएगा, देखो। जब तक सोशल यूनिटी नहीं बनती है तब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? पूरे समाज को कह रहा 33 करोड़ देवी देवता में से 32,99,99,999 देवता उन्हीं के, कोई भैरव बाबा को भी फंसता है, पूजा करता है लाल के उधर रहे ना प्रगति मैदान के पास, कोई काली दुर्गा सर को बसता, राम को नहीं बसता, कोई कृष्ण को बसता, वैसे मैं नास्तिक हूं। लेकिन ये बहुजन समाज उस सबको कह रहा था, वो चेक कर रहा था कि इसका मतलब आप लोग समझ रहे थे कि नहीं, समाज को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप लोग को भी कह रहा, तो जो रिएक्शन नहीं गया इसका मतलब आप साहब राम के पूजक है कि नहीं है? जब रिएक्शन नहीं किया आपने, विरोध नहीं किया, आप लिखते उस पर कि हम भी चमार, मैं भी चमार, क्या समझ रहे हैं कि यादव जी को के बारे में या पटेल जी के बारे में पीछे में क्या बात करता होगा, पता है मुझे, पता है क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन आप खुश रहो कि हम तो यदुवंशी है, तो कोई कौन वंशी है, हम क्षत्रिय है, ये इसे बहुजन यूनिटी नहीं बनता, इसलिए हिस्सेदारी जब तक यूनिटी नहीं बनेगा तब तक हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। अब समाज में दिक्कत कहां है? समाज आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज का ज्यादातर ऊपर से उधर चला जाता है। आज नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, छठी बार तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाएगा। जय जय। अरे भाई आपके ऊपर ही आपके क्रेडेंशियल से बैठा हुआ, खाली नेता के क्रेडेंशियल पे बैठा हुआ नहीं, तो समझ लेता कि इसका समाज ही ऐसा है पलटी मार। तो मेरा प्रस्ताव
मेरा प्रस्ताव है कि वाकई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो, एससी एसटी का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था, कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। ओबीसी का आरक्षण बीपी सिंह मंडल कमीशन, अरे भाई बीपी सिंह ने लाया और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह, एचआरटी मिनिस्टर हम लोग मिलते थे हमारे सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहा गया सुधांशु, उस समय बच्चा था ही लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा मंडल टू लाओ, तब आपको आया। आप मुझे बताओ तो खाली एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी भी जॉइन कर दूंगा, जवाब दे दो, क्या इस मोदी सरकार ने एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई कमीशन बैठाया है? बैठाया है? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है? और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ, आप भी जय जय करके हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो एनडीए में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय हो तो उधर ही चले जाओ, वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं अर्जुन सिंह बीपी सिंह दोनों उसमें से, तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और एनडीए हमारा भला कर रहा है और हमारे नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा हो उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आपके बेईमान बिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली, बिल्ली को रखवाली, जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम का वोट। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में, अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं ना, धिक्कार करो उसका, हर जाति सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो, तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या मूर्ति चाहिए, इसको चाहिए क्या कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो, यही समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके पटेल जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाई, अभी मिले थे एक बार, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं, बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकार को, कोई मेमोरेंडम दे रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है? नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग, सीधे हुक्मरान बनेंगे, कहां गए संजय? आप खुद ही डिवाइडेड हो, और जिस 15% की बात कर रहे हो यूनाइटेड है, कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कह रहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया, अरे ये बर्गर है, ये केक है नहीं है? तो साथियों ये लगातार ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं, लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं करूँ, हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए बोल, मैं बोल सकता हूँ, मुझे हिस्ट्री लिखना है लिख सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, सबका अपना अपना दुनिया है, तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200 करोड़ का जो है ना 500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो, हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब, ये एमबीए किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट पे दे हुआ है, देव कहां है प्रोफेशनल्स? जाइए ना, तो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए, खा ले लटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के पास थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाए, थोड़ा बीच में
सबसे ज्यादा इसलिए दलित में बोल रहा हुआ ट्राइबल। हसदेव जंगल का मसला सर अभी के स्टेट का है, चल ही रहा कि जैसे ही नौकरी खत्म हुआ वैसे अब पेंशन खत्म है, और नौकरी खत्म सैलरी खत्म, न जमीन है न इंडस्ट्री है न दुकान है न कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते इसी में रहते रहते आरएसएस और बीजेपी गांवों में भेज रहा है, गांवों में जाओ हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे प्रकृति के पास रहोगे तो बीपी शुगर सब ठीक हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, बिना पढ़े बिना सोचे बोले जा बोले जा। ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बन के रेडीमेड आता है बोलने के। और आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था, और आरएसएस कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं, जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। बाबा साहब ने कह रहे थे कि दलितों इस मेंटालिटी में मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही है वरना नंगे रहूंगी, ये मेंटालिटी में मत रहना, पहले अधिकार लो फिर दबाव बनाओ फिर अधिकार लो। उन्होंने तीन अधिकार की बात की थी, उसमें से दो मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और एक नहीं मिला पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बोले से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बना बना कर आप लेते रहो। तो आरएसएस ने सबके दिमाग में बैठा दिया एकदम, आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे, अगर बन भी जाओगे पीएम तो आपके पास प्रोफेशनल कहां है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा, ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा, और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण नहीं देता। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ओरेटर है, दस नहीं है ना, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं, बाबा साहब ये कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान जिसमें माता हो, और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा, कुछ जवान सबको भी लड़वाओ, 20-25 आप लोग सब यहाँ पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ये दिख नहीं रहा 20-25 एक्टिविस्ट सबको लाओ पार्लियामेंट में घुसवाओ तो वहां पे भाषण दे बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर दो लाओ 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है, पहले पार्टी में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा है उनका टिकट दो, चाहे वो सेक्युलरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोले है कि मालिक बोले कल यहाँ चुकाना कहाँ चुकाने के लिए संसद में जाओगे, जब बोलोगे नहीं हल्ला नहीं करोगे चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं। मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपने भी प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम इंडिया तो कुछ तो कांग्रेस लाजे सर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती है, लाजे सर में थोड़ा सा ठीक है ये दो डिस्काउंट, और बीजेपी आरएसएस कर रही है कि सबको कपड़ा पहने पटेल भी बढ़िया चमक रहा है, कुर्ता उतार बनियान में रखना है, तो दोनों में से चुनना है। अगर जात के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, माझी के नाम पे, अठावले के नाम पे, और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट दोगे तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से कुल्हाड़ी के बेट की तरफ कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं कहना है, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी नहीं, बोलता है बहुत बोलने वाला आदमी, ऐसा दलित किसी को पसंद नहीं हुई, बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित बैकवर्ड ट्राइब ऐसा बोलने वाला वहां खाली यस यस कहने वाला पसंद, तो हम लोग यस यस नहीं करें, हम लोग को जो बोलना है बोलेंगे ही बोले, रोज 50,000 लोग सुन लेगा बात खत्म हो गया, अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का तो हम समझेंगे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चलाऊं कुछ मैंने काम किया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो
और ये शपथ लेके जाओ, शपथ लेके जाओ कि नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे, शपथ लो कि इसको वोट नहीं करेंगे तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा कोर्ट आप में भी है। शुक्रिया, जय हिंद।